कैसा आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों, उसके पहले मैं आपको छोटी होली की शुभकामनाएं दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से आप लोगों को छोटी होली की शुभकामनाएं दोस्तों। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, आज छोटी होली पर मैं बना रही हूँ गुजिया। तो आए दोस्तों, शुरू करते हैं गुजिया बनाना। तो यहाँ पर मैं गुजिया बनाने के लिए, यहाँ पर बर्तन मैंने एक कटोरी मैंने ये मैदा लिया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ज्यादा बना रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं मैदा दो कटोरी ले रही हूँ नाप करके। तो एक कटोरी मैंने डाल दिया मैदा और ये दूसरा कटोरी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी मैदा डाला है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम डालेंगे ये घी। तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी मैदा के लिए यहाँ पर डाला है इस वाले चम्मच से 5 चम्मच घी। अब घी को पहले हम अच्छे से मिला लेंगे मैदा में। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से घी को मिला लिया है मैदे में। ये देखिए, अब यहीं से मतलब गूंथने लगा है, क्योंकि इसमें घी ही मतलब डालना पड़ता है गुजिया में, स्पेशली गुजिया में। तो यहाँ पर मोइन के लिए अच्छा मतलब घी डालना पड़ता है। तो यहाँ पर अच्छे से मोइन हो गया है, मतलब ये देखिए मोइन के लिए मैंने घी डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 गिलास पानी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से हाथ में पानी ले करके और इसका एक मतलब टाइट आटा हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा को सान लिया है दोस्तों, और ये देखिए इस तरह के समय टाइटली थोड़ा सा मैदा लगाना पड़ता है गुजिया के लिए। तो यहाँ पर जब रेडी है, मैदा सान लिया है, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट से ढक करके इसको साइड में रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो इधर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं घी। तो यहाँ पर घी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, और यहाँ पर पानी देखिए दोस्तों, मैदा को गूंथने में हमारा पानी यहाँ पर लगा 1/2 गिलास, क्योंकि मैंने मैदा 2 कटोरी लिया था, इसलिए मेरे को 1/2 गिलास पानी लगा। तो यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो गया है दोस्तों। तो हम ड्राई फ्रूट को, यहाँ पर काजू और बादाम लिया है, तो इसको भून करके निकाल लेते हैं हल्का सा। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं, इतना ही भुनना है इसको। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट को मैंने निकाल लिया है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कटोरी भर करके सूखा वाला नारियल, जिसको मैंने मिक्सी जाल में पीस लिया अच्छे से इसको, ये देखिए। अब इसको भी हम हल्का सा नारियल को भून लेंगे, जब इसमें हल्की सी कलर आ जाए, सुनहरे कलर, हल्का गोल्डन कलर, तब तक हम इसको चला देंगे भूनने में। रात को यहाँ पर रखेंगे एकदम लो, ज्यादा तेज आंच नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा ऊपर ऊपर से। तो नारियल यहाँ पर देखिए दोस्तों, हल्की हल्की इसमें कलर आ गए हैं, तो हो गया है नारियल। तब अब इसको नारियल को हम निकाल लेते हैं। नारियल को मैंने निकाल लिया है दोस्तों, और वही सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पर 1 कटोरी सूजी लिया है मैंने। अब सूजी यहाँ पर हम भून लेते हैं एकदम लो आंच में, सूजी को हम भूनेंगे, तेज आंच में नहीं भूनेंगे। तो सूजी यहाँ पर भुना गया है दोस्तों, ये देखिए, इतना ही भूनना है हमें सूजी को। और इसमें देख पा रहा हूँ कैसे मतलब हल्की सी कलर आ गई है, और इसको आंच दिखाते हूँ, मैंने आंच को धीमा कर रखा है, धीमे आंच में इसको यहाँ पर मैं 2 से 3 मिनट तक सूजी को भूनी हूँ दोस्तों। अब इसको हम निकाल लेते हैं सूजी को। यहाँ पर मैंने थाली में ड्राई फ्रूट ले लिया है, क्योंकि मैंने इसको गोटा ही मतलब ड्राई फ्रूट को मैंने भुना था, क्योंकि अगर हम इस तरह से फोड़ के भूनते थोड़ा थोड़ा पीस करके तो घी में मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट को काट लिया है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने अलग से किशमिश को छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट किया है। तो इसी में हम मिला देते हैं बादाम और इस बादाम और ये काजू में। तो तीनों को मिक्स कर दिया है, बादाम, किशमिश, काजू। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है खोवा दोस्तों, और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब खोवा को इसमें हम डालेंगे कढ़ाई में, और इसको अच्छे से चलाते हुए हम पका लेंगे। आज पूरा लो है दोस्तों। तो यहाँ पर मावा देखिए, आलू खोवा अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कटोरी पीसी हुई चीनी, चीनी को मैंने घर पे ही पीसा है। तो सारा चीनी यहाँ पर डाल दिया है, और इसको अच्छे से चलाते हुए हम बना लेंगे। तो चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे भुनी हुई सूजी। अब इसमें डालेंगे ये नारियल, जो नारियल को हमने भून करके रखा था। तो अब हम इसमें डालेंगे ये ड्राई फ्रूट, और साथ में जाएगा यहाँ पर इलायची। इलायची को मैंने हरे वाली इलायची ली हूँ, और इसको गिलास में अच्छे से पाउडर बना लिया है। तो इसको भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद दोस्तों, और इसको हम कढ़ाई में ही छोड़ देते हैं इसको ठंडा होने के लिए।
तो आटा पूरे यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गए हैं दोस्तों, और ये देखिए काफी सॉफ्ट हो गए हैं। तो एक बार हम इसको चिकना कर लेते हैं। तो इसको अब हम दो भाग में मैदा को कर लेंगे, और यहाँ पर इसको हम इधर साइड में रखते हैं, और यहाँ पर ले लेना हमें चकला। अब चकला में इसको स्प्रिंगल जैसे हम गोल गोल कर लेंगे इसको। तो अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे लोई ले लेना है, बना लेना है। यहाँ पर सारे लोई मैंने बना लिए हैं दोस्तों, ये देखिए। अब एक लोई के हम लेंगे इस तरह से, और इसको बाकी का हम इधर ढक कर करके रखेंगे। और सबसे पहले हम लोई को बेल करके रेडी कर लेंगे पूरी जैसा। और यहाँ पर को हमें सूखा आटा से घी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें काफी घी है मैदा में। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब बेला जा रहा है, चिपक बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो इसी तरह से बेल करके हम पहले रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पूरी बेल लिया है, और ये देखिए इसको कितना मतलब ना ही मोटा ना ही पतला, इतना मतलब इस तरीके से हमें बेलना है। तो इस तरीके से बेल करके रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे पूड़ियाँ बेल करके रेडी कर लिया है दोस्तों, और इधर भी मैंने बनाया है, ये देखिए। तो इधर मैंने सारे पूड़ियाँ रेडी कर लिया है। अब इधर इसको हम साइड में रखते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं हम एक थाली, और इसको यहाँ पर इस तरीके से हम एक पूड़ी को लेंगे, और इसको ढक करके रखेंगे क्योंकि सूखे ना। और एक कटोरी हम ले लेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, और यहाँ पर मैंने भुजिया ले लिया है, और इधर ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है, और ये ठंडा भी हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, चम्मच से ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, और ज़्यादा यहाँ इसमें नहीं डालेंगे, ज़्यादा भर करके डाल देंगे तो फट जाएगा ये। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है। अब इसको चारों ओर से यानी किनारा इसको इस तरह से मतलब हम पूरे में पानी लगा देंगे। पानी यहाँ पर हमें इसलिए लगाना है क्योंकि ये पूरी तरीके से चिपकेगा, और खुलने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से इसको हम उठाएंगे, और इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे, और एक उंगलियों के हेल्प से हम इसको अच्छे से मतलब दबा देंगे। अच्छे से प्रेस कर दिया है इसको, ये देखिए ये खुलेंगे नहीं। और यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि मेरे पास गुजिया बनाने वाला मशीन नहीं है, तो मैं हाथ से ही बना करके दिखा रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये काटा चम्मच। अब काटा चम्मच से इसको हम यहाँ पर डिजाइन दे देंगे। तो ये देखिए दोस्तों का बढ़िया यहाँ पर डिजाइन बन गया है, ये देखिए मशीन भी इसके आगे फेल है। तो डिजाइन यहाँ पर मैंने बना दिया है। तो इसी तरह से हम सभी को बना करके रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेट रेडी कर लिया है दोस्तों, ये देखिए। और इधर यहाँ पर मैं एक दूसरा शेप देने की दिखा रही हूँ आपको, दूसरा शेप देख करके मैं भी मतलब दो शेप का बना रही हूँ यहाँ पर। तो इस चारों ओर से मैंने पानी लगा दिया है इसमें। अब इसको पहले अच्छे से दबा लेंगे, और इसको उठा करके हम हाथ में रखेंगे, और इसको इस तरीके से शेप दे रही हूँ मैं, हाथ से ही दे रही हूँ। मशीन वशीन का कोई इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास मशीन है ही नहीं, और मैं लाई नहीं इसलिए, क्योंकि मैं हाथ से ही बहुत अच्छा बन जाता है, मशीन से भी अच्छा। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके वाला शेप का मैंने इतना सारा बना लिया है प्लेट में, ये देखिए। और इधर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी तेल डाल करके गर्म होने के लिए। तो तेल को पहले गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हुआ या नहीं, यहाँ तक थोड़ा सा मैंने ले लिया है मैदा। अब मैदा यहाँ पर डाल दिया है मैंने। अब ये देखिए इसमें हल्की हल्की बबल आ रही है, इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म है। अब हम आग को कर देंगे मीडियम में, और इसको हम अब डाल लेते हैं। तो यहाँ पर इतना सारा मैंने डाल दिया है दोस्तों, 6 पीस यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये देखिए इसको आज को हम रखेंगे मीडियम में। तो ये जैसे जैसे मतलब सीखेंगे अपने आप ये ऊपर आ जाएंगे, और इसको हम अभी पलटेंगे नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये पहला भुजिया कैसे मतलब इसमें रेडी हो गया है, और इसमें कितने अच्छे मतलब कलर आए हुए हैं एकदम। तो ये देखिए दोस्तों, पहला भुजिया हमारा रेडी हो गया है बंद करके। और यहाँ पर मैंने थोड़ा पूरी बड़ा बड़ा बेला था, इसलिए इतना बड़ा बड़ा ये लग रहा है। तो ये रेडी हो गया, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर जो बचा था उसको भी डाल दिया दोस्तों। अरे देखिए इसी तरह से हम बना करके रेडी कर लेंगे भुजिया को।
ये देखिए दोस्तों, इतना सारा गुजिया मैंने बना लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, सारा गुजिया बन करके रेडी हो गया है। तो दोस्तों, मेरी ये गुजिया की रेसिपी बन करके रेडी हो गया दोस्तों। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अच्छी लगी तो लाइक एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी होली दोस्तों।